चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है उसके खिलाफ अब पार्टी के अंदर ही आवाजें उठने लगी हैं। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी ही पार्टी पर सीधा हमला किया। देवड़ा ने कहा कि ये वक्त एकजुट होने का है, दुनिया के सामने तमाशा बनाने का नहीं। माना जा रहा है कि देवड़ा ने सीधे सीधे गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए ये बातें कही। देवड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा कि एकजुट होने के वक्त हो रही राजनीतिक कीचड़बाजी से हम दुनिया में तमाशा बन गए हैं। देवड़ा ने कहा कि चीन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब चीन के अतिक्रमण के खिलाफ राष्ट्रीय आवाज एक होनी चाहिए तब उसकी जगह राजनीतिक कीचड़बाजी हो रही है। हम दुनिया में तमाशा बन गए हैं। चीन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। चीन से जारी तनाव को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा अजीब किस्म के सवाल उठा रहे हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के इसी सियासी तमाशे पर मिलिंद देवड़ा ने जोरदार हमला किया। इसके पहले भी इमरजेंसी के बहाने वे कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की कमी पर निशाना साध चुके हैं। इसके पहले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी चीन मामले पर कांग्रेस को नसीहत दी थी। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि साल 1962 में क्या हुआ था इसे भूला नहीं जा सकता। चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया था। पवार ने कहा कि वर्तमान में मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसी भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन इस पर चर्चा करते समय हमें अतीत को याद रखने की आवश्यकता है। ये बातें उन्होंने इसलिए कही क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत से लेकर पी चिदम्बरम तक 1962 को भूलने की बात करने लगे थे। चीन को लेकर 1962 को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।